चोरी की मोटरसाइकिल खरीदने वाले तीन अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जिला मुरादाबाद थाना डिलारी में आज पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ मिली जब चोरी का वाहन खरीद कर चला रहे तीन अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आपको बताते चलें कि राशिद निवासी दूल्हापुर थाना ठाकुर द्वारा दिल्ली से चोरी कर मोटरसाइकिल व कार जिला मुरादाबाद के क्षेत्र में सस्ते दामों में बेचता था। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक युवक को रोका, जब उससे पूछताछ की तो पूर्ण रूप से जानकारी नहीं मिली। थाना अध्यक्ष सतराज सिंह ने निशानदेही पर टीम गठित कर चौकी इंचार्ज उमेश सिंह कोसवाल, SI प्रवेश कुमार, कांस्टेबल मोहित नागर, कांस्टेबल शान मोहम्मद, कांस्टेबल हरीश चंद्र, कांस्टेबल मोहम्मद नसीम के द्वारा तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए दीपक कुमार यादव पुत्र जसवंत सिंह निवासी असलेमपुर थाना ठाकुर द्वारा, आजम पुत्र जाकिर हुसैन निवासी फौलादपुर थाना ठाकुर द्वारा, आसिफ मलिक पुत्र अफसर अली निवासी नाखूनका थाना डिलारी, तीनों अभियुक्तों के पास से होंडा सिटी गोल्डन कार, होंडा अकॉर्ड कार, एनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल, हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार कर लिया है। वहीं क्षेत्राधिकारी डॉक्टर अनूप यादव ने बताया कि राशिद नाम का व्यक्ति जो कि दूल्हापुर थाना ठाकुर द्वारा का निवासी है, दिल्ली से चोरी कर कार मोटरसाइकिल लाकर सस्ते दामों में बेचता था, जिसमें चोरी की गई दो कारों का मामला दिल्ली थाने में पंजीकृत है। क्षेत्राधिकारी डॉक्टर अनूप यादव ने आगे बताया जो कि सरगना राशिद फरार चल रहा है, जल्द ही इसकी गिरफ्तारी की जाएगी। क्षेत्राधिकारी डॉक्टर अनूप यादव ने डिलारी पुलिस का काफी सराहनीय कार्य बताया। डिलारी से अशरफ अली की रिपोर्ट। निर्देश पर चेकिंग चल रही थी शाम की, और उस चेकिंग में ये दीपक यादव बुलेट के साथ मिला, तो संदिग्ध देख करके उसे, क्योंकि आगे उसने जमींदार लिखा रखा है जैसा लिखा हुआ है, तो देख करके उसको चेक किया गया नंबर, तो किसी दूसरे व्यक्ति की जो ठाकुर द्वारा में ही रहने वाला है उसकी बुलेट का नंबर इस बुलेट पर पड़ा हुआ था। डिटेल पता की गई तो और भी चौंकाने वाली बातें सामने आई। इससे पूछताछ की गई तो इसने ये बताया कि राशिद जो दिल्ली में गाड़ियां चोरी करता है और दिल्ली NCR में, और वहां से ला करके यहां पे कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से नंबरों में खुर्द करके नंबरों को जो है गलत नंबर डाल के, या किसी और व्यक्ति जो उस गाड़ी चल रहा उसका नंबर उस पर डाल के और लोगों को कम दामों में बेच देता है। तो कम दाम देख करके लोग लालच में आ जाते हैं और वो खरीद लेते हैं। इसकी निशानदेही पर इसके दो साथी और पकड़े गए जिनके पास से गाड़ियां बरामद हुई। आप लोगों ने भी गाड़ियां देखी हैं, जो बरामद गाड़ियां हैं, एक होंडा सिटी है गोल्डन कलर की, एक होंडा एकॉर्ड गाड़ी है, एक इनफील्ड बुलेट है और एक हीरो होंडा स्प्लेंडर। अभी आगे इसमें जो है राशिद जो भागा हुआ है, मौके से फरार है, उसके पकड़े जाने के बाद संभावना है कि और अधिक संख्या में भारी मात्रा में गाड़ियां बरामद होंगी। अभी दीपक यादव जो ठाकुर द्वारा का रहने वाला है असलेमपुर का, आजम है जो फौलादपुर ठाकुर द्वारा का है, और आसिफ मलिक जो नाखून का है डिलारी का, ये तीनों की अरेस्टिंग हुई है। और राशिद जो शातिर बदमाश है और शातिर चोर है, वो तो ठाकुर थाना ठाकुर द्वारा का रहने वाला दूल्हापुर का, उसकी अरेस्टिंग शीघ्र की जाएगी। और जो उसके उसने और यहाँ लोगों को, जनता को, तमाम लोगों को जो उसने कम दामों में ऐसी गाड़ियाँ चोरी की बेची हैं, उसका पता लगा करके उसका नवन किया जाएगा। इस जो ये गाड़ियाँ बरामद हुई हैं, इन गाड़ियों का दिल्ली में मुकदमा भी लिखा गया। गाड़ियाँ बरामद हुई हैं दिल्ली के दो थानों पर, इसके अपराध भी पंजीकृत हैं। तो ये एक अच्छी कार्रवाई जो है हमारी डिलारी थाने की पुलिस ने किया है, और ये सभी लोग जो है बधाई के पात्र हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इस तरीके के खुलासे, इस तरीके की कार्रवाई करते रहे। दीपक कुमार के खिलाफ पहले भी कोई मुकदमे हैं इस खिलाफ चोरी के, या कोई हिस्ट्री है? नहीं, दीपक की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री अभी नहीं है इसमें। कितने की ली थी ब्लड मोटरसाइकिल दीपक ने? तो दीपक बताए, दीपक कितने की खरीदी थी? 18,000। ये कम दामों में ही मिली है। आजम आपने कितनी खरीदी थी, कितने की? 1,20,000 की। और आसिफ? मैंने 160 की खरीदी है, 3 मॉडल है मेरे। हमने क्या खरीदा है?